सरकारी महकमा आए दिन आम जन के साथ मजाक करता नजर आता है और कुछ ऐसा ही गाजीपुर में देखने को मिल रहा है, जहां पर वाणिज्य कर और जीएसटी कार्यालय, जिसे जिलाधिकारी ने करीब 1.5 साल पहले किसी अन्य बिल्डिंग में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण गाजीपुर के किसी अन्य बिल्डिंग में शिफ्ट करने के बजाय विभाग इस कार्यालय को बनारस शिफ्ट कर रहा है, जिसको लेकर आज व्यापारियों ने जीएसटी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह यह है कि जो सर्टिस डिपार्टमेंट है, जीएसटी का जो डिपार्टमेंट है, उनके लापरवाही के विरोध में ये प्रदर्शन है। प्रशासन जिलाधिकारी ने ये बात इनको निर्देशित कर दिया था, ये बिल्डिंग को आप खाली करके आप कहीं और रेंट पे ले लिया जाए। इन्होंने इस संदर्भ में काफ़ी जगहों पे बिल्डिंगें देखी और गाजीपुर के, जैसा कि हमारे निरोग संगठन मंत्री ने बताया कि नगर पालिका खाली है, बहुत सी प्राइवेट बिल्डिंगें खाली हैं। इनके पास क्या है कि आपको बताने में गर्व है कि पूरे यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू आता है तो जीएसटी से आता है, और ऐसे में इनके पास ये चाह रहे थे कि बहुत सस्ते में मिल जाए, और चीज़ों को लापरवाही के वजह से आज ये है, ये दिन देखने को मिला। 1.5 साल से इनको वार्निंग दी गई थी कि अपनी बिल्डिंग को शिफ्ट कर लिया जाए, और ये उन्होंने बार बार वार्निंग के बाद, जिलाधिकारी के वार्निंग के बाद भी इन्होंने शिफ्ट नहीं किया, और शिफ्ट नहीं करने के वजह से आज ये चीज़ें हुई और हम लोग खामियाजा भुगत रहे हैं, और इसका पूरा खामियाजा व्यापारी समाज भुगतेगा। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि यह ऑफिस जो है 4-5 महीनों से ट्रांसफर करना था, यहाँ के अधिकारियों के उदासीनता के वजह से यह बिल्डिंग नहीं बदल पाए, इसलिए हम लोग इस प्रदर्शन को कर रहे हैं कि का नाम है, गाजीपुर का रेकार्ड गाजीपुर में रहेगा, गाजीपुर से बाहर नहीं जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर वाणिज्य कर अधिकारी दीपक सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कल हमें प्रशासन की तरफ से एक नोटिस मिली थी कि इसको खाली करना है, और हम लोग इसे खाली कर रहे हैं, आज हमें किसी भी हालत में इसे खाली कर रहे हैं। तो अभी आप लोग ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? हमारे उच्च अधिकारी बनारस से आ रहे हैं, उसके बाद ये डिसाइड होगा। तो क्या अभी तक कोई डिसाइड नहीं है कि ऑफिस कहाँ जाएगी? मोस्ट प्रोबेबली बनारस, बनारस जोन है बनारस में, तो वहीं जाए। तो ये अचानक ये इस तरह का आदेश क्यों आया? अचानक आदेश नहीं था, कई दिनों से आदेश था, कई बार हम लोगों ने विज्ञापन भी दिया था ऑफिस के लिए, लेकिन कहीं अभी उस तरह का हो नहीं पाया था, लेकिन अब अचानक खाली करना पड़ रहा है। नहीं, इस बिल्डिंग को अचानक खाली करने के आदेश, कोई इस बिल्डिंग में कोई नोटिस थी? हमको नोटिस मिली थी इस बिल्डिंग को खाली करने के लिए प्रशासन की तरफ।